पुराने जमाने में किसी भी बीमारी के लिए ज्यादातर लोग घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते थे। आज के वक्त में भी घरेलू उपचार और आयुर्वेद का उतना ही महत्व है, पर बदलते वक्त के साथ कुछ और नए ट्रीटमेंट्स भी आने लगे, जैसे होम्योपैथी और एलोपैथी। इसके सिवा बॉडी पेन ठीक करने के लिए भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स आती है, जैसे बॉडी मसाज, पंचकर्मा ट्रीटमेंट, और आज के वक्त में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्या आपने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर ट्रीटमेंट के बारे में सुना है? आज के वक्त में बॉडी पेन्स के लिए ये ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पर क्या एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर सेम है? दोनों ट्रीटमेंट्स में क्या फर्क है और एक्यूप्रेशर है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये सारी बातें हम आज के वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थियोरी है और ये ट्रीटमेंट चाइनीज ट्रेडिशन में 5000 सालों से है। चाइनीज थियोरी के अनुसार हमारे बॉडी में 20 मेरिडियंस यानी शिरोबिंदु होते हैं, पर एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर की ट्रीटमेंट के दौरान 14 मेन शिरोबिंदु को प्रेस किया जाता है। इसीलिए एक्यूप्रेशर के वक्त बॉडी के जिस पार्ट में पेन होता है उस पॉइंट को प्रेस करते हैं, पर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर दोनों अलग ट्रीटमेंट्स हैं। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में हाथों का इस्तेमाल होता है और एक्यूपंचर की ट्रीटमेंट में नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूप्रेशर वर्क कैसे करता है? बॉडी पेन जल्दी ठीक करने के लिए हम पेन किलर टेबलेट्स लेते हैं, जिससे अगर आपको पीठ में पेन है तो वो ठीक हो जाता है, सर दर्द है तो उसकी पेन किलर लेने से दर्द ठीक हो जाता है। उसी तरह ये एक्यूप्रेशर काम करता है, आपकी बॉडी में कोई ब्लॉकेज है और प्रॉपर एनर्जी फ्लो नहीं है तो उस कारण पेन होता है। जैसे कभी कभार ज्यादा टाइम बैठने से पीठ में दर्द होने लगता है क्योंकि आपके पीठ की कोई मूवमेंट नहीं होती है और फिर ब्लॉकेज के कारण दर्द होने लगता है। एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर ट्रीटमेंट के दौरान एक्यूपॉइंट्स प्रेस करता है। एक्यूपॉइंट्स एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है और इससे बॉडी के जिस पार्ट में पेन होता है वो ठीक हो जाता है। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ही कर सकता है क्योंकि एक्यूप्रेशर में कौन से पॉइंट्स प्रेस करने हैं और कैसे प्रेस करने हैं उसकी एक यूनिक टेक्निक होती है। अगर किसी से भी एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट नहीं दिखेगा। ज्यादातर एक्यूप्रेशर में मसाज करने के लिए फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, उसके सिवा एल्बोस और नकल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज्यादातर मसाज करने के लिए मिडिल फिंगर और थंब का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये फिंगर्स स्ट्रॉन्ग और हाथ के बाकी फिंगर्स के मुताबिक बड़े होते हैं। कौन से एक्यूपॉइंट्स को कितने देर तक प्रेस करना है ये भी बहुत जरूरी होता है, जिससे आपके बॉडी में जहाँ दर्द है वो पेन ठीक हो जाता है। प्रॉपर इफेक्ट मिलने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक एक्यूपॉइंट्स प्रेस करने होते हैं। इस तरह से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की शुरुआत चाइना से हुई है। एक्यूप्रेशर में मसाज फिंगर प्रेशर से दिया जाता है, जिसे जापानीज में शुत्सु भी कहते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट्स में मसाज के लिए पैरों का भी इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं ना, जैसी बीमारी वैसा इलाज, ये बात सब ट्रीटमेंट्स में अप्लाई होती है। अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।